भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब और रामचरण कश्यप साहब भी हैं और डॉक्टर अयूब साहब हैं जो पीस पार्टी के अध्यक्ष है, सदर हैं। और हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जहां पर पीस पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे उन पीस पार्टी के कैंडिडेट की हम सपोर्ट करेंगे और वैसे ही पीस पार्टी जहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी होंगे वहां पर वो अपनी सपोर्ट करेंगे। मैं जनाब डॉक्टर अयूब साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने फैसला लिया है और इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर आगे इस चुनाव में मिलकर काम करेंगे ताकि उनकी पार्टी के प्रत्याशी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट्स को काम मिल सके, आपस में सहयोग करके एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश की है और ये कुछ फैसला लिया है कि भागीदारी मोर्चा के जहां प्रत्याशी होंगे हमारे प्रत्याशी नहीं रहेंगे वहां पीस पार्टी उनका समर्थन करेगी और जहां पीस पार्टी के प्रत्याशी होंगे वो भागीदारी मोर्चा उसमें समर्थन करेगी। ये हम सभी ने फैसला लिया है और मैं समझता हूं कि आने वाली 2022 के चुनाव में हम मजबूत विकल्प की तरह से उभरेंगे। जो भी अभी जो बचा हुआ है सीटें जहां चुनाव होना है और इसी फैसले के साथ मैं समझता हूं कि हम लोग एक मजबूती के साथ चुनाव में आएंगे। पीस पार्टी के नहीं हैं, हमारे मोर्चे के हैं, वहां पीस पार्टी के साथ ही समर्थन करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है, बाकी फर्स्ट फेज में सेकंड फेज में डॉक्टर साहब के जो प्रत्याशी थे तो हम लोगों ने इंटरनली बात कर ली थी, आपको हम सूचित नहीं कर पाए, आपको हम नहीं बता पाए। अब आगे के जो फेज हैं उस फेज में ऐसा हमारा चलेगा, ये हम लोगों ने बैठ के तय किया है। फर्स्ट और सेकंड चरण के जो मतदान हुए हम लोगों ने ये तय कर लिया था, जबकि हम लोगों ने प्रचार भी किया। एक दिन मैं अयूब साहब आगरा गए, अलीगढ़ गए, बदायूं गए, तो हमारे मोर्चे के भी प्रत्याशी थे, इनके भी प्रत्याशी थे सेकंड फेज वाले में, तो हम लोग पहले आपको हम नहीं समय से सूचित कर पाए, लेकिन हम लोगों ने बैठ के ये तय कर लिया था और हम लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। आगे के चरण में सबको जानकारी रहे, आपके माध्यम से हमारे साथियों को जानकारी हो जाए, सभी आम जनता को जानकारी हो जाए, इसलिए आज आपको हमें सूचना देना उचित। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।